जब बिपाशा बसु ने सरेआम जॉन अब्राहम को दी गाली, बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु लास्ट टाइम 2015 में आई फिल्म अलोन में नजर आई थी। इसके बाद लगभग दो साल से बिपाशा की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक नहीं दी है। बिपाशा अपनी फिल्मों के अलावा अपने कोएक्टर्स के साथ अफेयर को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं। बिपाशा का नाम सबसे पहले डिनो मोरिया के साथ फिल्म राज 2002 की शूटिंग के दौरान जुड़ा था। इस फिल्म के बाद दोनों ने कई और फिल्मों में भी साथ काम किया था। डिनो मोरिया अपनी एक्टिंग से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन बिपाशा अपने करियर को बढ़ाने में जुट गईं। इसके बाद बिपाशा का नाम जॉन अब्राहम के साथ लिया जाने लगा। जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु की अफेयर की खबरों ने काफी दिनों तक सुर्खियां बटोरने का काम किया। इनके फैंस को उम्मीदें थीं कि ये शादी भी कर लेंगे, लेकिन इनका भी ब्रेकअप हो गया। इसके बाद हरमन बावेजा और राणा दिगुबाती जैसे एक्टर्स के साथ बिपाशा का नाम मीडिया की सुर्खियों में खूब उछला। लेकिन 30 अप्रैल 2016 को बिपाशा बसु ने करण सिंह ग्रोवर से शादी कर सभी को चौंका दिया। करण और बिपाशा की मुलाकात फिल्म अलोन के सेट पर हुई थी। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब बिपाशा से अपने एक्स के साथ दोस्ती रखने पर सवाल किया गया तो उन्होंने जॉन को लेकर गाली दे दी। उन्होंने गाली देते हुए कहा कि अगर आपका एक्स डॉलर एथ हो तो उससे दोस्ती रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे में उससे रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है।